गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रियलाइजेशन ऑफ बेसिक गेट्स फ्रॉम यूनिवर्सल गेट। तो एज वी नो दैट देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल गेट। वी हैव नैंड गेट एंड नॉर गेट। वाई इट इज यूनिवर्सल गेट? बिकॉज वी कैन रियलाइज एनी बेसिक गेट्स बाय मीन्स ऑफ नैंड गेट एज वेल एज नॉर गेट। नाउ वी जस्ट डिजाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रियलाइज रियलाइज और यू कैन से डिजाइन बेसिक गेट्स बाय यूजिंग only NAND gate. Now when we realize the basic gates by means of NAND gate, then we just take a trick here. There is three basic gate, AND, OR and NOT. This one is the basic gate and two universal gate, NAND and NOR. Now in this, इसमें क्या है कि NAND और NOR जो संख्या लिखेंगे वो number of NAND या NOR होगा AND और NOT बनाने के लिए। तो NAND gate basically हमको पता है कि NOT gate में दो मिनिमम एक सिंगल इनपुट लिया जाता है और सिंगल आउटपुट जनरेट होता है, लेकिन नैंड और नॉर दोनों ही गेट जो है वो मिनिमम दो इनपुट लेते हैं। मिनिमम दो इनपुट लेते हैं तो उस केस में नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी जस्ट यूज सर्टेन लॉ। फर्स्ट लॉ हम लोग जो यहाँ पर डिप्लॉय करते हैं दैट इज आइडमपोटेंट लॉ। आइडमपोटेंट लॉ में दो लॉ है, एक है ए प्लस ए इज इक्वल टू ए और ए डॉट ए इज इक्वल टू ए। तो नैंड गेट के केस में अगर नॉट हमको बनाना है तो ए डॉट ए इक्वल टू ए, दैट मीन्स कि एक ही इनपुट को हम दो बार लेंगे डुअल मैनर में। और चूंकि ए डॉट ए इक्वल टू ए आइडमपोटेंट लॉ के बेसिस पर ए डॉट ए जो है वो ए के बराबर होता है, तो वी कैन यूज सिंगल नैंड गेट टू रियलाइज नॉट गेट। Similarly, in case of NOR gate, we just use A plus A equal to A, because idempotent law में अगर आप एक ही इनपुट को दो बार सेम इनपुट को अगर पास करते हैं तो फाइनल आउटकम जो है OR गेट से वेरिएबल itself होता है। तो NOR gate में भी हम dual इनपुट दिखा सकते हैं एक ही वैल्यू को, तो NOT gate बनाने के लिए सिंगल NOR gate इज नीडेड। नाउ इन केस ऑफ NAND, यानी AND गेट और नैंड और नॉर गेट में बेसिकली कॉमन गेट क्या है? नॉट, अनकॉमन है एंड और। तो नैंड गेट अगर हमको एंड गेट बनाने के लिए यूज करना है तो वी जस्ट यूज टू। सिमिलरली नॉर गेट का यूज अगर और गेट बनाने के लिए करना है तो वी जस्ट यूज टू। और रेस्ट जो अनकॉमन गेट है जैसे नैंड के केस में और, तो उसको थ्री नैंड गेट से हम रियलाइज कर सकते हैं और नॉर के केस में एंड को थ्री नॉर गेट से रियलाइज कर सकते हैं। Now, one by one we discuss. First, we discuss the AND gate realization, then OR gate, and then NOT gate. AND gate realization में basically we use, first we discuss the NOT gate. So NOT gate के लिए single one NAND gate is needed. We just use one NAND gate, and in this NAND gate, dual input के form में हम एक variable pass करते हैं. तो finally एंड गेट से आपका ए आउटकम जनरेट होगा और फिर नॉट गेट से पास होगा, तो वो दैट मीन्स कि वन नैंड गेट इज नीडेड फॉर जनरेशन ऑफ नॉट गेट। इन केस ऑफ एंड वी नीड टू नैंड गेट, तो हियर वी जस्ट टेक टू नैंड गेट वन बाय वन। फर्स्ट नैंड गेट में वी जस्ट टेक टू इनपुट ए बी और फाइनल आउटकम इज ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ दिस कॉम्प्लीमेंट इज यूज एज ए डुअल इनपुट फॉर सेकेंड नैंड गेट एंड हियर वी हैव ए डबल डैश। नाउ अगेन एक आपका लॉ है, दैट लॉ इज द डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ।
डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ के बेसिस पर कोई भी वेरिएबल का अगर डबल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वेरिएबल इटसेल्फ होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ वी कैन रियलाइज दैट ए डॉट बी का डबल बार दैट इज ए डॉट बी. दैट मीन्स ए डॉट बी इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट. तो टू नैंड गेट इज नीडेड फॉर जनरेशन ऑफ एंड गेट. एंड गेट बनाने के लिए दो नैंड गेट का यूज होगा. नाउ हियर यहाँ पर देखिए ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है, इसका डबल कॉम्प्लीमेंट है. तो जैसे हम डुअल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो जैसे ए डॉट ए के बराबर है तो ए डॉट बी का बार डॉट ए डॉट बी का बार इज ऑल्सो इक्वेलेंट टू ए डॉट बी का बार. दैट्स वाई डबल कॉम्प्लीमेंट यहाँ लेंगे तो ये ए डॉट बी के बराबर हो जाएगा. नैंड से अगर और गेट हम बनाने जाएंगे तो हमको तीन नैंड का गेट का इस्तेमाल करना होगा. वी जस्ट यूज फर्स्ट नैंड गेट. फर्स्ट वी डिजाइन थ्री नैंड गेट एंड देन आफ्टर. तो फर्स्ट में वी जस्ट टेक द डुअल इनपुट ए. हियर वी टेक बी. तो ए का कॉम्प्लीमेंट ए बार, बी का कॉम्प्लीमेंट बी बार. एंड हियर वी हैव ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार का होल कॉम्प्लीमेंट. नाउ अनदर लॉ वी हैव दैट इज डिमॉर्गन्स लॉ. तो डिमॉर्गन्स लॉ, व्हेन यू अप्लाई डिमॉर्गन्स लॉ हियर, तो देर इज टू लॉ अंडर डिमॉर्गन्स. फर्स्ट वन इज द ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट. एंड सेकेंड वन इज द ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट. तो हियर वी जस्ट अप्लाई द सेकेंड लॉ, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए बार. तो व्हेन यू अप्लाई हियर तो ए डबल बार प्लस बी डबल बार. अगेन यू अप्लाई डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ हियर तो ए डबल बार बिकम ए एंड दिस बिकम बी. और ए प्लस बी ये आपका है लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर लॉजिकल ऑर गेट. दैट मीन्स थ्री नैंड गेट इज यूज टू डिजाइन द ऑर गेट. तो दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ बेसिक गेट्स यूजिंग ओनली नैंड गेट. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ बेसिक गेट्स यूजिंग ओनली नॉर गेट.